बनने से पहले बता दे कौन कौन है तेरे साथ। ये सब क्या है? कौन है ये लोग? बता, कौन है ये सारे असुर? ऋषभ की तरफ क्यों इशारा किया? ऋषभ देश प्रेमी नहीं, देश द्रोही है। और मरने से पहले इसकी आंखों में जो पांच लोग देखे मैंने, वो पांचवा या पांचवी जिसके हाथ पे दिल था, वो कौन है? मुझे इन चेहरों से पर्दा उठाना ही होगा। अन्या सुना, रीम के डैडी ऊपर है, उनसे कहो हम सब नीचे उनका वेट कर रहे हैं, जल्दी आए। मेरा चश्मा कहाँ गया? टिम के पापा तो यहाँ है ही नहीं। वो मैंने हल्दी में ऊपर से खून गिरते हुए देखा तो मैं डर गई। स्टूपिड गर्ल, क्या नॉनसेंस बोल रही है? तुम पूरी मेरी हल्दी स्पॉइल कर दी। देखो ना मॉम, इसने इतनी ऑस्पिशियस हल्दी गिरा दी। रिलैक्स, इनफ नाउ सीमा, अभी निकालो उस लड़की को। उरुष, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब से ये लड़की इस घर में आई है, हड़चन ही हो रही है। ये इस घर के लिए शुभ नहीं है। निकल जाओ अभी और इसी वक्त। अब माँ, मैं दूसरी हल्दी का अरेंजमेंट करवा देता ना। एंड रिया, गलतियां तो सबसे हो जाती है ना, हमसे ही होती है, कोई बात नहीं। लेकिन ऋषभ, इस लड़की को यहाँ से। माँ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आइंदा कोई गलती करेगी तो मैं देख लूंगा। बीमार
बहू, मैंने तुझे कहा था ना पूजा करा लेनी चाहिए थी। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। कुछ गलत नहीं होगा माँ, वो लड़की गलत है, उसने गलती की। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है। माता रानी अपना रहम रखना, ये हल्दी अच्छे से हो जाए। अगर नागिन ने अपने पहले असुर को मार ही दिया मर गया पहला असुर। वो केडरा लड़की कुछ दिन के लिए यहीं रुकी है, उसके कमरे में शायद मुझे कोई सुराग मिले। थैंक्स। नाम तो सही बताए। ये महामारी साजिश में देश की बड़ी हस्तियां शामिल हैं। तो इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये वही लड़की है जो उस दिन उस आदमी से मिली थी, लेकिन ये पेपर उसके पास क्या कर रहा है? आखिर है कौन ये लड़की? हल्दी का बोल मेरे हाथ से कैसे छूट गया? अरे गोली मारो यार ऐसे बाउल को, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारी नौकरी भी चली जाए तुम्हारे हाथ से। चार पैसे कमाने के लिए कर रही हो ना जॉब? इतने पैसे हैं मेरे पास कि जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ मैं। कैसी बातें कर रहे हो मयंक? क्या क्या बातें कर रहा हूँ यार, अपने पापा के लिए कर रही हो ना जॉब ताकि उनका ख्याल रख सको। मैं करूंगा ना यार सारे अरेंजमेंट, सब कुछ करूंगा, पर मैं अपनी होने वाली पत्नी की ना ऐसे बेइज्जती होते नहीं देख सकता। प्लीज धीरे से बात करो, मेरी बात समझो, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। Enough, Pratha. I can't tolerate all this. You're too much, yaar. ये फियांसे था ना तुम्हारा? ऐसे टॉर्चर करता है आपको? कुछ भी डिसाइड करने से पहले आप सोचना एक बार। You're such a sweet girl. You deserve a good guy. छोड़ो।
मामा, मंत्री जी, ये तो मर गया। ये मेरे पति बिना पता नहीं कौन सी बैठक लगा रखे हैं जो अब तक नीचे ही नहीं आए। उर्वशी, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। वैसे काफी देर हो गई है, और देर हो गई तो मेहमान हमें गलत समझ बैठेंगे। लेकिन रीम के डैड, मैंने तुमसे कहा ना, किसी इम्पोर्टेंट काम में उलझे होंगे। उन्हें पता है कि आज हल्दी है, टाइम सर आ जाएंगे। चलो चलो। सुनो, ये हल्दी का बॉल मुझे दे दो, वरना फिर से गिरा दोगे। ये लड़की इस घर में क्यों आई है? आखिर इसका मकसद क्या है? तुम दोनों उस लड़की को क्यों देखते रहते हो? मैंने उस लड़की पर नजर रखी है रीम, ऐसा कुछ भी नहीं। अब चलो, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। अब बंद भी करो ये सेल्फी। चलो चलिए। मंत्री जी ये कैसा अपशकुन है? कौन है ये लड़का? मैम, ये मेरे फियांसे है। इस घर में तुम कम थी जो अब ये भी यहाँ आ गया, और तुम यहाँ क्यों आए हो? मैम, I'm sorry मैम। मयंक, क्या हुआ ये? तुम ऐसे बाहर निकलो। तुम दोनों अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर निकलो। I said get out। जान प्लीज, एक मिनट। क्या हुआ? अरे बताओ ना, बाहर तुमने क्या देखा? वो क्या? मंत्री जी। क्या? मिनिस्टर साहब, वो लड़की। कौन सी लड़की? मार दिया, मिनिस्टर साहब को मार दिया। क्या? What nonsense? क्या बकवास कर रही हो? सच कह रहा हूँ मैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने मिनिस्टर साहब की लाश। किसने कहा मैं मर गया? अगर मंत्री साहब मर गए तो मैं कौन हूं? अरे भाई, जिंदा है। बहुत सारे फंक्शंस खराब कर दिए तुमने। शादी के घर को मजाक बना के रख दिया। वो तो ऋषभ के कहने पर मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब और नहीं। और ये पागल लड़का, इसे इस घर से बाहर निकालो। और तुम मेरी नजरों के सामने कभी मत आना। आउट।
आप सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, एक अर्जेंट कॉल आ गया था और यहाँ शोर शराबा बहुत हो रहा था, तो इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। और ये रस्म क्यों रोकी है? आओ चलो शुरू करते हैं। वो मैंने हल्दी में ऊपर से खून गिरते हुए देखा तो मैं डर गई। मिनिस्टर साहब को मार दिया। एक के बाद एक हादसा, किसी की कोई साजिश है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो दिख नहीं रहा, पर मुझे देखना ही होगा। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाना पड़ेगा। अरे हल्दी की सेरेमनी चल रही है, लोग क्या कहेंगे? देखो, लोगों को और हमारी बेटियों को तुम समझा लेना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। किसी ने मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोला है, नहीं गया तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाएगी। पर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में मैं फंक्शन एंजॉय नहीं कर सकता। ओह रियली? वो लड़की कहाँ है जिसके साथ तुम इससे पहले बाहर गए थे? कौन लड़की? वही सिक्योरिटी वाली जिसके साथ तुम कुछ ज्यादा ही मैन मटक्का कर रहे हो। मैं सब देख रही हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, मुझे बेवकूफ मत समझो। यहाँ बेटियों की शादी हो रही है और अचानक से तुमको काम आ गया है? देखो, इस बार दुश्मन देश से बहुत बड़ी डील की है मैंने, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ओके। एक असुर तो मार दिया मैंने, मेरे पटली की शुरुआत हो चुकी। खाना खा लो। ये मयंक फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसे चोट लगी थी, घर तो पहुंच गया होगा ना। हे डूड, व्हाट आर यू डूइंग यार? वो रियलिटी शो लगाना, आई रियली वांट टू वॉच दैट यार। बिजनेस न्यूज़ ऑन। अरे नहीं नहीं, म्यूजिक चैनल लगाओ यार। नहीं नहीं, हर बार इसका ही लगाना पड़ता है। ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, मरने वालों की संख्या हजारों का आंकड़ा पार कर चुकी है। हर देशवासी के चेहरे पे खौफ है। देश के प्रधानमंत्री ने 15 दिनों के लिए कर्फ्यू अनाउंस कर दिया है। अगर इन 15 दिनों में इस महामारी ने और भयानक रूप ले लिया तो फिर इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस महामारी का हमारे देश पे ऐसे अचानक हमला करना कुदरत का कोई कहर है या फिर दुश्मन देश की कोई साजिश? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या ये 15 दिन इस महामारी को रोक पाने में सक्षम होंगे। ये क्या है? सब गए। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये संभावना जताई जा रही है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। ये लॉकडाउन क्यों आंधा है? अरे बेबे, ऐसे जैसे। अरे तेरे शॉर्टकट छड़, साफ साफ बता। स्टे होम स्टे सेफ, और इमरजेंसी होना तभी घर से बाहर निकलो। क्या घर में रहो? गॉश, मैरिज है हमारी, अगर सब लोग घर पे रहेंगे तो हमारी शादी में कौन आएगा? ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे रंग ढंग की वजह से हमारे घर के रंग बदल गए, सब कुछ खराब कर दिया तुमने। ये शादी का घर है, फिर से अपशकुन कर दिया। मैम सॉरी मैम, वो गलती से मैं अभी जल्दी से सब साफ करके नई रंगोली बना देती हूँ। मैम पर इसमें, एक्सक्यूज मी मॉम, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? रंगोली तो बना देगी, बना दोगी ना? इनफ। सुनो, जब तक मेरे दोनों बेटों की शादी संपन्न नहीं हो जाती, अगर तुमसे कोई भी गलती हुई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक बात और, अपनी हद में रहना। परजाई जी, ये क्या बवाल है, इससे छटो। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर लॉकडाउन सच में लग गया तो शादियां होंगी कि नहीं होंगी? डेफिनेटली होंगी, शादियां तो होंगी ना? ऑफकोर्स होंगी। एक्चुअली उर्वशी बाहर गई है, जैसे वो आती है मैं उससे बात करूंगी। शादी होगी और उसी मुहूर्त में होगी जो तय है, क्योंकि ऐसे शुभ मुहूर्त बार बार नहीं आते। अब तुम खड़ी क्यों हो? जाओ। परचाई जी, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि बहुत अड़चने आ रही है। देवी जो कह रही थी ना, वो पूजा करवा लीजिए, है ना? मैं तो कह रही हूँ इस घर को ना किसी की नजर लग गई है। मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, तुम जाओ। बवाल ही बवाल है। तुम दोनों टेंशन मत लो।
ये इतने सारे असुर, आखिर ये है कौन? मेरे देश के हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, काश इस सारे असुर मेरे सामने आ जाए और मुझे दिख जाए तो एक ही ढंग से सबको डस लूंगी, एक साथ सबको खत्म कर दूंगी। एक असुर तो गया, मर गया, अब दूसरे की बारी है। कहां ढूंढूं उसे, कैसे ढूंढूं, कैसे पता करूं वो नासूर वो दूसरा असुर, वो मंत्री, उसने मरने से पहले ऋषभ की तरफ इशारा क्यों किया? या था उस इशारे का राज? मैं पता करूंगी आज। ये चार लोगों के साथ ये पांचवा या पांचवी जो भी है, उसके हाथ पे ये तिल का निशान, और ये निशान ऋषभ के हाथ में दिख गया, और दूसरा असुर ऋषभ, फिर तो आज उसका अंत, उसकी मौत लिख दी मैंने। मैं आ रही हूं। देश पर संकट, दुश्मन देश की साजिश, ये महामारी साजिश में देश की बड़ी हस्तियां शामिल, ये है पूरा मैसेज। लड़की पूरी तैयारी के साथ आई है और स्पोर्ट प्लानिंग के साथ तेरे घर में जॉब भी कर रही है। आई एम टेलिंग यू, अरेस्ट करना उसे। नहीं रजत, हमें हर एक कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा। तुम्हें याद है वो रात, वो मैसेंजर जब हमारे पीछे भाग रहा था, कितना कितना पीछा किया उसने हमारा, कितने वक्त तक चेस कर रहा था हमको, कितना डेस्परेटली वो मैसेज देना चाहता था। अगर इस लड़की में भी उतनी लॉयल्टी होती ना, तो इतने दिन तक वेट नहीं करती। इतने दिनों तक उसने ये आधा मैसेज अपने पर्स में छुपा कर रखा। धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। एक बहुत बड़े प्लान का एक छोटा सा मोहरा है ये लड़की, बहुत बड़ी साजिश है। वो लड़की जरूर दुश्मन देश से मिली हुई है, और जो देश में महामारी चल रही है उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो हम उसे तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक उसका असली चेहरा सबके सामने नहीं आ जाता। पता लगाना पड़ेगा कि वो है कौन। Guys, it's time for some action. समीर, तुम एक काम करो, तुम सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे फोन करके बोल दो कि अपनी सिक्योरिटी डबल कर दो, और हर एक सेकंड में हमें अपडेट देते रहे, okay? And Rajat, तुम सिक्योरिटी हेड के ऑफिस में फोन कर दो और उनके कैबिनेट मेंबर से बोल दो हमें सारी सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन रेगुलरली अपडेट करते हैं। Sure. But the thing is, लड़की छिप छिप कर हमारी बातें सुन रही थी क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सर, वो मैनेजर सर ने बोला था यहाँ पर बल्ब फ्लिकर कर रहा है, तो मैं जाके बल्ब चेंज कर लूँ। बल्ब चेंज करने से पहले स्विच बंद करना पड़ता है, इतना भी नहीं मालूम आपको? या आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स भी है? कंटिन्यू। इस महामारी के चक्कर में पूरे नेशन के अंदर लॉकडाउन लग रहा है। क्या सच में लॉकडाउन होने वाला है? कितने दिन का लॉकडाउन होगा, मतलब कंफर्म है क्या लॉकडाउन? सॉरी, वो मैं बस यूं ही पूछ रही थी। हे भगवान, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं ये जॉब नहीं खोल सकती। Dude, this girl is so weird. बहुत अजीब है ये लड़की। Dude, I'm telling you, बुला ले इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए। Bro, आप यहाँ क्या कर रहे हो? Mom is very angry. सब आपको वेट कर रहे हैं नीचे, चलो ना। हाँ, चलो चलो चलो। अच्छा guys, I'll be right back. जो मैंने आपको बोला था वो प्लीज ध्यान दो उस पे। हाँ? कटारिया भाई साहब से बात हुई कि नहीं? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, कटारिया भाई साहब फोन उठा ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ होंगे। अरे मैं कह रहा था कल जो लड़का हल्दी में आया था, कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा था? अरे क्या पापा, अभी मिनिस्टर अंकल अंदर आए थे, उसके बाद सबने देखा था। अरे हो सकता है ना, भूत डुप्लीकेट बैरूपिया, तुम लोग क्या फिल्में नहीं देखते क्या? भाई साहब, ये शादी का घर है, बच्चे इतना घटिया मजाक करने से पहले एक बार सोच लिया करो कि आपको बोलना क्या है और आप क्या बोल रहे हैं। चाचू, भूतों की कहानी सुना सुना के ना आपको हर जगह भूत दिखने लग गए। ओए मेरी जान, अरे ये कटारिया भाई साहब मेरा फोन उठा ही नहीं रहे,
क्या करें, लग रहा है फैसला तो कर लिया मैंने। क्या? ये शादी कल ही होगी। कल? अरे कल क्यों बहू, आज ही कर लेते हैं ना। माँ ये आप क्या कह रही है, आज शादी कैसे कर सकते हैं? इतना सारा काम है और उर्वशी मार्केट गई हुई है, वो वापस आएगी, मैं उससे बात करूंगी, उसके बाद हम फैसला लेंगे। ठीक है, तब तक मैं कटारिया साहब को फोन ट्राई करते रहता हूँ, हो सकता है वो फोन उठा ले। हाय गाइस, अब होगा बीबीबी। अरे पैन बाचा बार आ। मैनेजर, सबसे पहले ये चेक करना घर में क्या है और क्या नहीं, पूरी लिस्ट बनाओ जरूरत का हर सामान, और हाँ 8-10 दिन का राशन स्टॉक कर लेना। नो आई थिंक पूरे महीने का ही राशन स्टॉक कर लो। ना जी ना, शिपमेंट तो मुझे आज ही चाहिए, कल को लॉकडाउन शॉकडाउन हो गया तो मेरी स्वीटी ट्वीटी मुझे कहाँ से मिलेगी। और मैंने लेटेस्ट एक्सटेंशन मंगाए हैं, जो शादी में ड्रेस पहनूंगी ना उसी हिसाब के मैचिंग एक्सटेंशन मंगाए, तो भिजवा देना आप, समझ गए? नो नीलू, डू वन थिंग, तुम आज ही घर पे आ जाओ अभी, और हाँ शादी होने तक ना तुम यहीं पे रह जाओ। हाँ वैसे भी बार बार टचअप करना होगा, आई विल नीड यू हियर, ठीक है? ओके आ जाओ। पानी पी लो, आपको बेटर लगे। नहीं पुत्र, हवा का रूप बदल रहा है पुत्र, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि कोई मुसीबत आने वाली है इस घर पे। प्लीज आप सब चुप हो जाइए। ऋषभ, मैंने ये फैसला किया है तुम दोनों की शादी कल ही होगी। क्यों? हाँ शादी के सारे फंक्शंस और शादी कल ही होंगे, लॉकडाउन अनाउंस होने वाला है। होने नहीं वाला माँ, हो चुका है, और आपने मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए ऊपर से नीचे बुलाया ये बताने के लिए कि कल शादी। एनीवेज अभी थोड़ी देर में नेशनल लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो ठीक कल तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारी शादी आज ही होगी, इसी घर में होगी। पर परजाई जी, अभी तो आपने कहा बेबे से कि इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी, कब होंगी? अरे लेकिन मम्मी, ऑन द स्पॉट ड्रिंक्स का इंतजाम कैसे होगा? मेरी वेडिंग ड्रेस और मेरे एक्सटेंशंस। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सब? हाँ प्लीज काम डाउन, एक बार आंटी की बात सुन तो लो। सुनने समझने के लिए कुछ रहा ही नहीं है रीम, आप लोग शायद जानते नहीं है दुनिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, हर सेकंड किसी ना किसी की जान जा रही है, कोई खाने का अरेंजमेंट कर रहा तो कोई सासों का अरेंजमेंट कर रहा, लेकिन आप है कि आपको शादी के अरेंजमेंट से फुर्सत ही नहीं मिलती। एक तो लॉकडाउन भी लगने वाला है, मतलब ये नौकरी भी चली जाएगी, मुझे नहीं लगता ये लोग आधे काम के पूरे पैसे भी देंगे हमें, बस ये दोनों शादियां हो जाए, मतलब 8-10 के सारे पैसे मिल जाए हमें बस, एटलीस्ट इन पैसों से पापा की मदद तो कर पाऊंगी। हाँ उनके पेंशन से मुश्किल से घर का रेंट निकलता है, भगवान मैं क्या करूंगी? क्या करूं मतलब, फियांसे है ना तेरा, वो तेरी इतनी फिक्र करता है और तुझे हमेशा घर की टेंशन पड़ी रहती है। सुन तू ये क्यों नहीं सोचती कि अगर लॉकडाउन लग गया तो तू उससे मिलेगी कैसे और तेरी शादी कैसे होगी? यार जब देखो तुझे जॉब की टेंशन लगी रहती है। देख ये लव शव ना हम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सब ना इन अमीर लोगों के चोचले हैं, मेरे लिए सबसे पहले मेरे पापा आते हैं, मुझे बस उन्हीं की टेंशन रहती है। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही टेंस्ड हो रहे हो? पर किसी और से ना सही, आंटी से तो ठीक से बात कर लो, उन्होंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? बाहर सिचुएशन और खराब हो रही है, हमारी शादी अब नहीं तो कब होगी? भाई भाई प्लीज आप शादी प्लीज मत पोस्टपोन करो ना प्लीज, मैंने मेरी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट दे दिया है एंड दे आर ऑन देयर वे, अब अगर शादी नहीं होगी देन आई जस्ट कांट इमेजिन व्हाट विल हैपन, और हमारा हनीमून भी तो प्लान्ड है ना स्विट्जरलैंड के लिए। रिया भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाहर इतनी सीरियस कंडीशन है और तुम्हें शादी की पड़ी। हाँ सीरियस कंडीशन है इसलिए मुझे अपनी शादी की पड़ी। See, whatever it is, I can't marry right now. मैं नहीं जानता आपको एहसास भी है या नहीं कि दुनिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बट जितने भी जवान हैं, मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सब इस सिचुएशन से लड़ रहे हैं, आपको शादी की पड़ी है लेकिन दुनिया में बर्बादी चल रही है। पर कोई तो है जिसने कसम खा ली है कि इस महामारी को एज अ वेपन यूज करके हमारे नेशन के खिलाफ जंग लड़े, देश की फाइनेंशियल कंडीशन डूम हो चुकी है समझ रहे हैं आप, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीरों के पास इतना पैसा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आप लोगों की तरह। माँ उन गरीबों का क्या, हाँ जो रोज की रोजी पर जीते हैं वो तो मर ही जाएंगे ना। हाँ पापा मैंने मेडिकल को फोन कर दिया है, बस कुछ ही टाइम में घर पे दवाइयाँ पहुँच जाएंगी, पर हाँ आप सुनिए आप प्लीज घर के बाहर मत निकलना, ये महामारी ना बहुत तेजी से फैल रही है, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। नहीं
नहीं पापा, मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं आप पर ठीक हूँ, ठीक है, बाय, टेक केयर। हाँ हाँ, काम जैसे पूरा हो जाता है घर आ जाऊंगी। क्या हेलो? हाँ हाँ, आई एम ऑन माई वे, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। और तुम एक काम करो, जितनी भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं सबको सबके लिए ओपन करवा दो, कि हमें बहुत सारे बेड्स की जरूरत है। हाँ, सारे ऑर्डर्स पे मैं साइन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। या आई एम कमिंग। रुक जा पुत्र, तेरी शादी है, तेरे हाथ मैंने ये हल्दी की मूली बांधी है, तू अब घर से बाहर नहीं जा सकता है। बीबी आप क्या कह रही है? ये रस्म है पुत्र, अगर तू घर से बाहर जाएगा तो अपशगुन हो सकता है। वैसे भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, एक डर सा लगा रहता है कि कुछ बुरा ना हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, एक बुरा साया हमारे घर पे मंडरा रहा है। बीबी मैं आपकी फिक्र बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन आप मुझे भी तो समझिए, मेरा देश मुझे बुला रहा है। बीबी, और आपने मुझे ये मौली का धागा बांधा है ना मेरी रक्षा करने के लिए। तो मेरा शक सही था, मंत्री का इशारा सही था, तो ये है दूसरा देशद्रोही, दूसरा असुर। जुबान में मेरा देश और ये नकली भेस। ये करेगा मेरी रक्षा, आप फिक्र मत कीजिए। Lenses are too good. I loved it. क्या? I say तुम्हारे lenses बहुत cute है. It's like zehreeli, nashili. Wow. तुम्हारी आँखों security. किसी guard को इनके साथ भेज दीजिए please. Yeah sure. मैं कोई security guard भेजती हूँ इनके साथ. अब तुम इनका पूरा ख्याल रखेंगे और इनकी हर नजर पे नजर रखेंगे। Listen, Dream, I'm not your dad, okay? मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं अपनी सेफ्टी के लिए, I'm an army officer. ऋषभ, please, तुम इन सब बातों में डैड को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? तो तुम क्यों लेकर आ रही हो मेरे और मेरे देश के बीच में शादी को? हाँ डूड बोल। हाँ डूड, आई नो उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन उस पर तरस खा के सिंपथी के बेसिस पे आई कांट लेट हर गो लाइक दैट। मुझे जानना है कि उसका राज क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसके क्रक्स तक पहुंचना है मुझे। आई नो मेरी शादी हो रही है और अपनी बीवी का ध्यान मैं रख लूंगा, ओके? मुझे ज्ञान मत दे, तेरे से जितना बोला है बस उतना करो, ओके? फिलहाल ये लड़की प्रथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पता करो, ओके? कौन है ये लड़की, इतना हॉर्न मारने के बाद भी नहीं हट रही। गया असुर गया, आज इस देश का दूसरा असुर भी खत्म हो जाएगा।
गाड़ी में एकदम से आग कैसे लग गई, ये तो परफेक्टली ऑल राइट थी। ये मैंने अभी किसको देखा? जरूर कोई जंगल का जानवर होगा। असुर तुम मर गया ना, जिंदा तो नहीं, वरना नागिन का बदला शर्मिंदा हो जाएगा। दूसरे असुर का काम तमाम हुआ।